आज एलजी साहब का अभिभाषण था और आप सब लोगों ने सुना होगा कि एलजी साहब ने कैसे ये बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से दिल्ली में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है, हर क्षेत्र में हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रगति हुई है पिछले 5-7 साल के अंदर। और उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि कई अड़चनें आई और उन सभी अड़चनों के बावजूद सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो सरकार को के अंदर किस्म किस्म की इंटरफेरेंस हम लोग देख रहे हैं किस तरह से की जा रही है। सरकार का काम चुनी हुई सरकार को काम ना करने देने के लिए किस तरह से तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन सारी परेशानियों को लांघते हुए जनता को साथ लेके आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, ये न केवल दिल्ली के लोग पूरे देश के लोग मानते हैं। रैली ने शोर बड़ा निकलते हुए कि मतलब उन्होंने एक तरह से शिकायत की कि बोलने की मर्यादा कहीं ना कहीं बची हुई है, आपने आरबीसी से जाकर ये बात की। मैं समझता हूँ ये छोटी बातें हैं, जनतंत्र की इज्जत करनी चाहिए। 2 करोड़ लोगों ने अगर किसी सरकार को चुन के भेजा है तो उस सरकार को काम करने देना चाहिए। उस सरकार को अगर आप काम नहीं करने देंगे, तरह तरह की अड़चनें अड़ाएंगे तो ये सही नहीं है। ये भी सही नहीं है क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे रूल्स के मुताबिक एलजी के भाषण के दौरान डिस्टरबेंस करना एक तरह से मर्यादा के खिलाफ है, एक तरह से हाउस का कंटेम्प्ट है। तो उसके ऊपर अभी एक प्रस्ताव सारे सदन ने पास किया है कि इस पूरे मामले को उचित कमेटी को भेजा जाएगा कि एलजी के भाषण के दौरान इस तरह से डिस्टरबेंस नहीं करनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।